क्या है क्वेश्चन के अंदर समझिए पहले। यूसुफ, हारून एंड कोडा वाला आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। थ्री पार्टनर्स आर देयर, वन इज यूसुफ, सेकंड इज हारून एंड कोडा वाला। थ्री पार्टनर्स आर देयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। सो हियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1, टोटल इज 6। यूसुफ एंड हारून हैव गिवन एश्योरेंस टू कोडा वाला। अब समझना इसे, यूसुफ एंड हारून हैव गिवन एश्योरेंस टू कोडा वाला। एश्योरेंस मतलब क्या, वन काइंड ऑफ गारंटी। यूसुफ और हारून ने क्या किया, कोडा वाला को एश्योर किया, गारंटी दिया, क्या, टू गिव मिनिमम ₹36,000 फ्रॉम प्रॉफिट। कोडा वाला को प्रॉफिट में से मिनिमम ₹36,000 मिलेगा। ये सेंटेंस समझ में आया, कोडा वाला को मिनिमम प्रॉफिट में से ₹36,000 मिलेगा मिनिमम। ओके, ये लैंग्वेज था। उसके बाद इफ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st of March 2016 total profit of the firm was ₹180,000. Total profit is given of firm is 1,80,000. How profit will be distributed among the partners? अब समझना, ये equation है। तो 1,80,000 को हम यूसुफ, हारून एंड कोडावाला के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हमें देखना है। सो हम यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए। ओके, नॉर्मल 1,80,000 टोटल प्रॉफिट, उसमें से यूसुफ का पार्ट इज 3, सो इनटू 3 एंड डिवीजन में क्या आएगा, टोटल इज 6। यूज कैलकुलेटर, 1,80,000 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 6 इज 90,000। दैट मींस यूसुफ का शेयर 90,000 फ्रॉम फॉर हारून के लिए 1,80,000 इंटू हारून का शेयर इज 2 डिवाइडेड बाई टोटल इज 6, कितना आया 60,000। ओके, एंड फ्रॉम फॉर कोडा वाला 1,80,000 इंटू शेयर ऑफ कोडा वाला इज 1 डिवाइडेड बाई 6, इसका कितना आएगा 30,000। ओके, एक देखिए क्या हुआ, वो फर्म का प्रॉफिट कितना है 1,80,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है 1,80,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है 1,80,000। ये 1,80,000 में से यूसुफ को कितना मिलना चाहिए 90,000, हारून को कितना 60,000 एंड कोडा वाला को कितना 30,000। बट जब एक पार्टनरशिप फर्म, जब ये हारून, हम ऐसा सिर्फ एज्यूम करते हैं कि पहले सिर्फ दो पार्टनर थे यूसुफ एंड हारून, कोडा वाला जो है वो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बनने से इनकार कर रहा था। फिर यूसुफ एंड हारून ने उसे मनाने के लिए क्या बोला कि क्या प्रॉब्लम है तुझे, तो कोडा वाला ने बोला कि प्रॉफिट जो होगा उसमें मुझे कम हिस्सा मिलेगा। तो यूसुफ एंड हारून ने क्या बोला कि तुझे कितना चाहिए मिनिमम, तो कोडा वाला ने बोला 36,000। कोडा वाला ने कितना बोला 36,000 मिनिमम। तो पता है यूसुफ एंड हारून ने क्या किया, कोई बात नहीं, तुझे मिनिमम, चाहे फर्म का प्रॉफिट जो भी हो, तुझे मिनिमम प्रॉफिट में कितना मिलेगा 36,000 मिलेगा। अगर उससे कम मिला तो, कोडा वाला ने क्वेश्चन किया, अगर उससे कम मिला तो यूसुफ एंड हारून ने क्या किया पता है, अगर तुझे 36,000 से कम मिला ना, तो जितना कम मिलेगा ना उतना हम दोनों दे देंगे तुझे हमारे शेयर में से। समझ में आया, इसे बोलते हैं एश्योर करना। एश्योरेंस का मतलब समझ में आया कि कोडा वाला को मिनिमम कितना मिलना चाहिए 36,000 मिनिमम। बट देखिए जो फर्म का प्रॉफिट था 1,80,000, उसमें से कोडा वाला को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितना मिला 30,000।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितना मिला? 30,000. इज इट क्लियर? बट कोडा वाला को मिनिमम कितना मिलना चाहिए था? 36,000. अब अभी कोडा वालों को क्या करना पड़ेगा? प्लस मिलना चाहिए. कितना? 6,000 प्लस होगा. ओके, तो यहां पे हम लिखे सेटलमेंट ऑफ एश्योरेंस. एश्योरेंस सेटलमेंट में क्या होगा कि कोडा वालों को प्लस कितना करना पड़ेगा? 6,000. समझना अच्छे से. कोडा वाला को यहां पे लिख दे हम फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. देखिए, कोडा वाला को 30,000 तो ऐसे ही मिला, बट मिनिमम कितना मिलना था? 36,000. तो 30,000 मिला तो 6,000 कोडा वाले को प्लस करना ही पड़ेगा और मिलना चाहिए. तो 30 + 6 तो कोडा वाला को फाइनली कितना मिलेगा? 36,000. तो मिनिमम 36 था तो 36 मिला. ओके, बट ये जो 6,000 प्लस किया हमने कोडा वाला में, वो कौन देगा 6,000? किसने एश्योरेंस लिया था? यूसुफ एंड हारून बोथ? यस और नो? रिप्लाई कीजिए यस और नो. यूसुफ एंड हारून दोनों ने दिया था ना. फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, सेकंड सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है यूसुफ एंड हारून हैव गिवन एश्योरेंस. सर, अगर सिर्फ यूसुफ ने दिया होता तो यूसुफ का जो 90,000 था ना, उसमें से हम 6,000 माइनस कर देते. यूसुफ अपने हिस्से में से 6,000 किसे देता? कोडा वाला को. सिर्फ अगर हारून ने दिया होता एश्योरेंस क्या, तो क्या करते? 60,000 माइनस 6,000, ये हारून अपने हिस्से में से 6,000 किसे देता? कोडा वाला. बट यहां पे क्या बोला हुआ है वो देखिए. यूसुफ एंड हारून हैव गिवन, मतलब दोनों ने, यूसुफ एंड हारून. तो सर क्या दोनों 6,000 देंगे? यूसुफ भी 6,000 देगा, हारून भी 6,000 देगा? यस और नो? नो. अगर दोनों 6,000 देंगे तो फिर कोडा वाला को तो 12,000 मिलेगा. तो क्या होगा? दोनों कितने देंगे? बाकी के आंसर दो फास्ट, रिप्लाई फास्ट. क्वेश्चन यहां पे है, आपको यही देखना है. टेक्स्ट बुक में क्या है वो कुछ नहीं देखना है. तो ये जो आपको लगता है ना कि सर ये दोनों 3,000 देंगे, दैट इज रॉन्ग आंसर. अब समझना, जो भी एश्योरेंस दिया हुआ है, यहां पे देखिए, जो भी एश्योरेंस दिया हुआ है वो एश्योरेंस का जो भी पेमेंट होगा, वो पेमेंट इक्वल रेशियो में नहीं जाएगा, वो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. कौन से रेशियो में जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर. आपने क्या किया सर, दोनों में से 3,000 ले लो, तो वो तो इक्वल हो गया 6,000 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों ने एश्योरेंस दिया है. तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन के अंदर एक ही बात देखनी है, क्या कि इक्वल रेशियो में नहीं जाएगा, मतलब 3,000 नहीं जाएगा दोनों में से. कौन से रेशियो में जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कौन से रेशियो में जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दिस टू पर्सन, यूसुफ एंड हारून, इज 3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ यूसुफ एंड हारून इज 3:2. उसके साथ साथ ये याद रखना, अब हम सिर्फ किसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले रहे हैं? यूसुफ एंड हारून. तो टोटल 6 नहीं होगा, टोटल कितना होगा? 3 + 2 = 5. तो यहाँ पे हम 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें. सो 6,000 into शेयर ऑफ यूसुफ इज 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 5. कितना आया ये? 3,600. हम क्या करेंगे? 90,000 में से माइनस. सेम वे यहाँ पे 6,000 into प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ हारून इज 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2 = 5. यहाँ पे कितना आया? 2,400. दोनों में से माइनस. समझ में आया? तो उसका मतलब क्या कि यूसुफ जो है, उसको जो 90,000 प्रॉफिट में जो मिल रहा था, वो मिलना चाहिए था कब? अगर यूसुफ ने कोडा वाला को कोई एश्योरेंस गारंटी नहीं दी होती तो. बट यूसुफ ने क्या किया हुआ? गारंटी दी हुई है, तो अब उसे अपने 90,000 के हिस्से में से 3,600 किसे देना पड़ेगा? कोडा वाला को.
इसे देना पड़ेगा कोटा वाला को। 90,000 में से अब 3600 माइनस करिए तो कितना बचेगा? अब यूसुफ के पास 86,400। सेम वे हारून को जो 60,000 मिला था उसमें से 2400 हारून भी किसे देगा? कोटा वाला को। तो उसे कितना मिलेगा? 57,600। और टोटल जो होगा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल प्रॉफिट कितना था हमारे पास? 1,80,000। वही टोटल प्रॉफिट 1,80,000 होना चाहिए। बट 1,80,000 किस हिसाब से बटेगा तीनों पार्टनर के बीच? यूसुफ को 86,400, हारून को 57,600 एंड कोडावल को 36,000। इज देयर एनी डाउट? आपको सिर्फ क्या करना था इसमें, एक ही बात देखनी थी क्या, कि ये जो एश्योरेंस की सेटलमेंट होगा वो एश्योरेंस का पेमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, नॉट इन इक्वल रेशियो। इन विच रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो देखिए यहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर 20। तो क्या देखिए, वो देखिए, इसके लिए आपको पिछले जन्म की बातें याद करनी पड़ेगी, मतलब 11th की। अब 11th के अंदर क्या था? कोई मुझे वो 11th के अंदर हम कैपिटल वाला फॉर्मेट बना रहे थे, याद है किसी को? बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल साइड कैपिटल वाला फॉर्मेट, वो 11th के अंदर, यहां से हम नया एक फॉर्मूला देखेंगे। इसलिए 11th के अंदर जो हम ये फॉर्मूला कैसे बनाया उसका लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको। 11th के अंदर कैपिटल वाला जो फॉर्मेट था वो कुछ ऐसा था, कैपिटल वाला फॉर्मेट। कैपिटल के अंदर फर्स्ट इज ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, याद आ रहा है कुछ ऐसा? प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, उसमें से हम माइनस करेंगे क्या? सेम फोर ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस नेट लॉस। ओके, ये हमारा फॉर्मूला था 11th के अंदर। ये चार ऐसे 1, 2, 3, 4, ये चारों का टोटल हम लिखेंगे इनर कॉलम, ये इन चारों का टोटल मोस्ट इनर कॉलम, इन चारों का टोटल जो होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे इनर कॉलम। अब इस टोटल में से ये वाला माइनस करने के बाद अमाउंट आउटर, ऐसा था। ये जो आउटर कॉलम मिला इसे हम बोलते थे क्लोजिंग कैपिटल, उसे क्या बोला जाता था? क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल से हमने स्टार्ट किया तो क्लोजिंग कैपिटल तक। ओके, अब हमारे क्वेश्चन के अंदर अच्छे से समझना, अब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, हमें ओपनिंग कैपिटल तक जाना है। क्लोजिंग कैपिटल से हमें कहां तक जाना है? ओपनिंग कैपिटल तक, मतलब रिवर्स जाना है इसे, यस और नो? है ना, हम 11th में क्या करते थे? ओपनिंग में से क्लोजिंग पे आते थे। अब यहां पे क्या करना है? क्लोजिंग में से कहां पे जाना है? ओपनिंग में। क्लोजिंग में से ओपनिंग में जाएंगे, जैसे ओपनिंग में से क्लोजिंग में आए तब जितना हमने प्लस किया वो अगर हम रिवर्स जाए तो उतना हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। और जो हमने माइनस किया उतना हमें रिवर्स के अंदर क्या करना पड़ेगा? प्लस। समझ में आया? जैसे हम यहां से यहां आए तो जो प्लस और माइनस हुआ वो हम रिवर्स जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एंड प्लस। जो प्लस हुआ था वो माइनस, जो माइनस हुआ है वो प्लस। ओके, बट पूरा फॉर्मूला आपको नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है उस हिसाब से हम सिर्फ लिखेंगे। तो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़े तो क्लोजिंग कैपिटल, क्वेश्चन के अंदर पहले जो लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन।
क्लोजिंग कैपिटल कितना है हमारे पास, पार्टनर गिरीश इज 96,000 रुपीज. ओके, उसके बाद आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स ऑफ रुपीज 6,000, दैट मीन्स व्हाट, ड्रॉइंग्स इज ऑल्सो गिवन. ड्रॉइंग्स कितना है हमारे पास, 6,000 रुपीज ओनली. एंड यूजिबल प्रॉफिट इज रुपीज 9,000. कैलकुलेट 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमें क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से कितना होगा. अब याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. तो सर हम 8% डायरेक्ट 96,000 का कर सकते हैं कि नहीं, 8% हम 96,000 के ऊपर कर सकते हैं कि नहीं. नो, व्हाई, बिकॉज 96,000 इज क्लोजिंग कैपिटल, 96,000 इज क्लोजिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट ओपनिंग कैपिटल. ओके, तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला. जो रिवर्स जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा वो, तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करें, तो जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन के अंदर जितना इंफॉर्मेशन दिया हो उतना ही हम फॉर्मूला बनाएंगे. ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्लोजिंग कैपिटल. अब देखिए, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, तो हम 11th के अंदर ड्रॉइंग्स क्या करते थे, माइनस. तो यहां पे हम रिवर्स जाएंगे तो क्या करेंगे हम, प्लस. उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट इज आल्सो गिवन, डिविजिबल प्रॉफिट हम 11th में क्या करते थे फॉर्मेट के अंदर, प्लस. तो यहां पे रिवर्स जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस. ओके, चलिए वैल्यू पुट कीजिए. क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन 96,000 प्लस ड्रॉइंग्स इज 6,000 एंड माइनस डिविजिबल प्रॉफिट इज 9,000. सो टोटल ओपनिंग कैपिटल वी गॉट इज रुपीज 93,000. ओपनिंग कैपिटल कितना मिलेगा हमें, 93,000 रुपीज. अब हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओपनिंग कैपिटल इज 93,000 इंटू 8%. 8% आपको यूज करना है कैलकुलेटर के अंदर. तो 93,000 इंटू 8% इज 7,440. तो ये मिला हमें फाइनल आंसर 7,440 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये जो फॉर्मूला हमने देखा ये वाला, ये कौन सा लॉजिक था, तो लॉजिक मैंने आपको बताया यहाँ पे. रिवर्स जा रहे हैं सिर्फ इसलिए जो हमने माइनस किया था वो प्लस करेंगे, प्लस किया था वो माइनस करेंगे. ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है. चलिए, इज देयर एनी डाउट इन इलस्ट्रेशन नंबर 10. नो, आगे बढ़े. ओके, चलिए नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 11. चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11. सो हियर इलस्ट्रेशन नंबर 11, सेम पेज नंबर 20. देखिए क्वेश्चन में क्या है वो. Janet, Akshara, and Sapna are partners sharing profit and loss in equal proportion. Their total capital is of rupees 3 lakh. The proportion of their capital is 2:3:5. Okay. अब हमारे पास 10 मिनट से उसके अंदर शायद इलस्ट्रेशन नंबर 11 कंप्लीट नहीं होगा, तो हम इसको यहाँ पे रोकते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 11 हम कल देखेंगे. ओके, बट आज आपको क्या करना है वो,
आज आपको मैं होमवर्क थोड़ा सा बता दू, तो होमवर्क के अंदर इसका भी फोटो अभी मैं आपको भेजता हूँ, होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है वो। होमवर्क के अंदर आपको इलस्ट्रेशन जितने बाकी है वो कंप्लीट करने हैं, मतलब इलस्ट्रेशन 1-10 में से जितना जिसको इलस्ट्रेशन जो बाकी है वो कंप्लीट करना है। ओके, प्लस आपको क्या करना है वो, प्लस हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो फाइनल अकाउंट देखा था, फाइनल अकाउंट, उसके अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो बैड डेट वाला फॉर्मेट था वो आपको याद करना है। कल हम वो भी देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 11 कंप्लीट करने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। ये कंपलसरी इस बार आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको लिखने के लिए भी दूंगा 10 times 20 times जो आपको, क्योंकि आप तो हम सब फ्री है। ओके, तो आज का होमवर्क आपको इतना बुक के अंदर लिखना है, 1-10 में से जितना आपको बाकी हो, सॉरी इलस्ट्रेशन तो हम कर रहे हैं, 1-10 इलस्ट्रेशन में से जो बाकी है वो, प्लस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 1-10 में से जितने बाकी है वो, मतलब दो क्वेश्चन कल हम करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11, थर्ड का 11।